नमस्कार चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ आरेंद्र उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान आज संपन्न हो गया है राज्य की उनहत्तर विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है तीसरा दौर कई मायनों में खास था और सबसे ज्यादा यहां पर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी है तो कैसा रहा आज का मतदान बताएंगे विस्तार से अपने संवाददाताओं से जानेंगे जनता ने किन मुद्दों के आधार पर आज घरों से निकलकर वोट डाला है होगा विश्लेषण भी कि आखिर सपा परिवार अभी भी उसका जो झगड़ा है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के मतदान प्रतिशत की क्योंकि आज का महत्वपूर्ण मतदान था और अंतर सीटों पर वोट हुआ और शाम पांच बजे तक बासठ फीसदी मतदान की खबर आ रही है हालांकि ये सिर्फ पांच बजे तक के आंकड़े हैं और जो इन लोगों को मौका मिलता है पोलिंग बूथ के प्रेमिस में अंदर जाने का उनको बाद तक भी वोट देने का अवसर चुनाव आयोग देता है तो जाहिर सी बात है ये जो बासठ फीसदी है पांच बजे तक का आंकड़ा इसमें बढ़ना स्वाभाविक सी बात है और बात की जाए पिछले बार दो के चुनाव की तो लगभग साठ फीसदी के आसपास मतदान रहा था तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चरण है और दो का जो पहला चरण था उसमें चौसठ फीसदी से ज्यादा वोट हुआ था दूसरा चरण में पैंसठ फीसदी साढ़े फीसदी हुआ था लेकिन तीसरा चरण हालांकि ये अंतरिम आंकड़े नहीं है बासठ फीसदी की खबर आ रही है जिसमें इजाफा होने की संभावना है और संभवता ये भी चौंसठ पैंसठ फीसदी या उससे ज्यादा हो सकता है तो ये तीन चरणों का चुनाव अभी तक खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और लगभग आधा उत्तर प्रदेश अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुका है अगर इन तमाम सीटों के लिहाज से बात की जाए तो आज का इस वक्त की बड़ी खबर कि पाँच बजे तक उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए बासठ फीसदी मतदान हो चुका है और हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत पे नज़र रखे हुए हैं और आज का जो मतदान हुआ उस पर भी दिन भर कवरेज के लिए मौजूद है हमारे तमाम संवाददाता उनसे उनमें से, से मौजूद है हमारे साथ इस वक्त कानपुर से विशाल बैरिस्टो और सीतापुर से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं दोनों सहयोगियों से हम बात करेंगे विशाल पहले पा, आपके पास लोग करते हैं कानपुर के लिहाज से बात की जाए तो कानपुर का अपना ज़िले के आधार पर अंतरिम आंकड़ा क्या है क्योंकि अगर पिछले बार की बात की जाए तो लगभग चौवन पचपन फीसदी के आसपास रहा था देखिए आर्यंद्र कानपुर को हम दो भागों में विभाजित करेंगे एक तो कानपुर देहात जहां पर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला और वोटिंग परसेंटेज जो मेरे को आखिरी बार खबर मिली थी वो पैंसठ के पार कर गया था और कानपुर की जब हम बात करते हैं शहर की तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी जगह मायूसी देखने को मिली क्योंकि उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनके नाम आगे लिखा हुआ था विलुप्त और बड़ा अचरज की बात है ही परिवार में आधे लोगों का नाम है आधे लोगों का नाम नहीं है आधे लोगों के पास वोटर आई कार्ड था लेकिन फिर भी उनको वोट करने की इजाज़त नहीं दी गई और वो बड़े मायूस लौटे क्योंकि आज संडे का दिन था पूरा परिवार आया था तीन पीढ़ियाँ आई थी पिता पुत्र और पोता और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा था वो एक आदर्श वोटिंग केंद्र था मतदान केंद्र था लोगों ने विशाला अपनी बात रखें मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ बताएं तो आर्यनंद्र मैं आपको ये बता रहा था कि काफ़ी आज छुट्टी का माहौल था और लोग बड़े खुश थे पूरा सा परिवार वो वोट डालने आए यहाँ पर गुब्बारे लगाए गए थे रेड कारपेट बिछाया गया था लोगों के लिए और पूरा वी ट्रीटमेंट दिया गया था ई रिक्शा लगाए गए थे बुज़ुर्गों के लिए और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए लेकिन जब यहाँ पर आके उन्होंने देखा कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है उनके नाम क्या के विलुप्त लिखा हुआ है तो उनको काफ़ी मायूसी झेलने को मिली और वो बहुत नाराज भी हुए कई तो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आए थे और यहाँ पर पता चला कि वोटिंग लिस्ट में वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो ये सब परेशानी लोगों को झेलने को मिली लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुल मिलाकर कानपुर में कानपुर शहर और देहात में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण रहा और चुनाव जो कानपुर देहात है वहाँ पर जबरदस्त वोटिंग हुई है जी विशाल आप रहिए हमारे साथ में हम रुक करेंगे सीतापुर में मौजूद हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का शैलेंद्र अगर दो हज़ार बारह के लिए से बात की जाए तो लगभग पैसठ फीसदी के आसपास सीतापुर जिले में मतदान हुआ था इस वक्त आपके पास क्या ताज़ा आंकड़ा है और मुद्दे क्या थे जब आपने दिन भर लोगों से बात की उनके मन को टोडा मतदाताओं के तो क्या चीजें निकल के आई जिसके आधार पर लोग घरों से निकल के आए हैं देखिए अगर पिछले चुनाव से मतदान प्रतिशत का तुलना करें तो तकरीबन पाँच फीसदी की बढ़त सीतापुर में देखने को मिली है सत्तर फीसदी के आसपास आंकड़ा जा रहा है तो ऐसे में ये बिल्कुल बेहतर मतदान प्रतिशत कहा जाएगा और जो सुबह से ही कतार देखने को मिली थी वो बढ़े हुए मतदान प्रतिशत में बदलती हुई दिखाई दी निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतर आंकड़ा है कम से कम सीतापुर में सत्तर फीसदी के आसपास मतदान की जो खबर है वो बहुत जो है राहत पहुंचाने वाली इसलिए आज से चूँकि पहले और दूसरे चरण के बाद इस तीसरे चरण में भी कमोवेश आप देखें तो जो मतदान प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक बहुत सकारात्मक संकेत भी है जो है आगे के जो चरण है उसके लिहाज से जहाँ तक मुद्दे की बात आपने की सीतापुर और हरदोई दो जगह पर हमने जो है आज जो है मतदान के दौरान लगातार जनता से बात की वहाँ पर गए स्पष्ट तौर पर जो अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएँ तो इस पूरे बेल्ट में देखें आप तो गन्ना बेल्ट कही जाती है धान की खेती बहुत होती है लिहाजा किसानों के दो प्रमुख मुद्दे जो है यहाँ उभर कर सामने आए चीनी मिल है एक बहुत लंबे समय से हर दो में वो बंद है और चीनी मिलों का जो जहाँ चीनी मिल चल रही है उसके चीनी मिलों का बका, ने, गन्ना का बकाया नहीं दिया वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था किसानों के जहन में आ, किसान उस पर बहुत मुखर रूप से बात करते नजर आए साथ ही साथ जो धान है उसकी सरकारी खरीद न होने की शिकायत भी आ, बहुत सारे किसानों ने की और कहा कि उन्हें मजबूरी में बिचौलियों को धान बेचना पड़ा है तो ये ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच सबसे प्रमुख मुद्दे थे जबकि शहरी इलाकों में अगर आप जाएँ युवाओं ने बेरोज़गारी की बात की और कानून व्यवस्था का मुद्दा खासतौर पर महिलाओं ने उठाया जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत के लिए शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया और विशाल आपका भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ने के लिए तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस प्रकार से जो ज़मीनी सच्चाई है वहाँ पे लोग घरों से निकले हैं किन मुद्दों के आधार पे वहाँ से निकल के लोगों ने वोट किया और अभी फिलहाल जो है अंतरिम आंकड़े नहीं आए लेकिन ज़िले के लिहाज से स्थिति अगर बात की जाए तो सीतापुर जिले का हाल जो बता रहे थे लगभग सत्तर के आसपास लोग निकले हैं जो अपने आप में पिछले बार से भी पाँच बढ़ा हुआ आंकड़ा है इस बीच में तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है सर बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे आपको लगता है कि अगर इस तीसरे चरण के लिहाज से बात की जाए सबसे बड़ी बात एक तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इटावा जैसा इलाका भी इसमें शामिल है क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ चीजें समाजवादी पार्टी की ही साख पे दाव, जो है तरीके से साख पे लगी है या इसमें भी कुछ और पार्टियां बेहतर कर सकती हैं इस बार नहीं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है एक तो पांच साल की एंटी एंटीनगेंसी दूसरा परिवार का झगड़ा परिवार में मतभेद और भितरघात संगठ जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी से उसके बाद जहां जहां सपा के उम्मीदवार नहीं हैं वहां समाजवादी पार्टी के समर्थक और मतदाता क्या करेंगे ये अभी हमको पता नहीं है क्या वो अपना पूरा वोट कांग्रेस को देंगे या कहीं और जाएंगे या वोट नहीं देंगे लेकिन मतदान प्रतिशत जो आ रहा है उससे तो लग रहा है कि भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है पिछली बार जब बदलाव हुआ था तो साठ फीसदी वोट पड़े थे पूरे प्रदेश में लगभग इस बार उससे ज्यादा हो रहा है तो एक संकेत तो लग रहा है कि लोग कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं अब ये बदलाव जरूरी नहीं कि सरकार बदल जाए किसके हिस्से जाएगा और क्यों जाएगा ये ये, देखना ये, भी हो सकता है क्योंकि पिछले पंद्रह बीस सालों में हमने देखा है कि सरकारों को फिर से लाने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में मतदान करते हैं और सरकार को हटाने के लिए भी तो ये ये अब निर्भर ये करेगा कि परिवार के झगड़े का एंटी इनकम्बेंसी का गठबंधन से जो नुकसान हो रहा है उसका इन सब का क्या असर है क्योंकि ये करो या मरो वाली स्थिति मतलब वो चरण था समाजवादी पार्टी के लिए ये यह, यहाँ से जो है 80 फीसदी सीटें पिछली बार जीती थी समाजवादी पार्टी इस बार वैसे स्थिति तो नहीं लग रही रही कम होता है अगर स्थिति बहुत खराब होती है यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के जरिए या निर्दलियों के जरिए कैंडिडेट खड़े किए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने उन्होंने कितना नुकसान किया उनकी क्या भूमिका रही या शिवपाल यादव का क्या असर रहा है जो बात की जाती है कि वो संगठन उन्होंने लंबे समय तक संभाला चलाया बनाया तो अब वो उन, उनके साथ संगठन में निचले स्तर ऊपर विधायकों के स्तर पर पदाधिकारियों के स्तर पर तो उनके साथ नहीं है लोग जी। लेकिन नीचे क्या हैं इसका भी एक इम्तहान है तो कुल मिला ये पच्चीस साल में समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव चुनाव से बाहर है चुनाव प्रचार से बाहर हैं तो उसका क्या असर होता है दो जगह पहुंचे छोटे भाई और छोटी हाँ, बहू के लिए वो प्रचार वो, हाँ, वो, वो तो परिवार का मामला था पार्टी के लिए नहीं गए चुनाव प्रचार करने परिवार के दो लोगों के के लिए गए परिवार के बाकी लोगों के लिए भी नहीं गए जिसे लखनऊ में सरोजनी नगर से अखिलेश का चचेरा भाई लड़ रहा है चुनाव वहां नहीं गए वो तो एक तरह से उन्होंने संदेश दिया कि वो परिवार के झगड़े में कहा खड़े हैं जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर पहले आ रही थी उसमें शिवपाल सिंह इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आज जब मतदान हो रहा था उस वक्त वहाँ पे जसवंत नगर सीट जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे लाठी चार्ज किया प्रशासन ने उनका ये आरोप था उन्होंने दबी जबान में इस बात को कहा कि अखिलेश के इशारे पे किया गया कि अभी भी वो तलखी या वो तेवर या उस प्रकार का जो द्वंद है परिवार का वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने आ रहा है उन्होंने साफ तौर तो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है बिल्कुल निश्चित रूप से अभी देखिए तीन दिन पहले जब वो इटावा के दौरे पे थे अखिलेश यादव तो उन्होंने एक लगभग अपने चाचा को धमकी सी ही दी कि जो लोग जो है पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं जिन्होंने धोखा दिया उनको हराइए तो उन्होंने एक तरह से हराने की अपील की तो अब जाहिर है कि उधर से भी कोई उसका जवाब तो दिया ही जाएगा तो जिसकी जितनी ताकत होगी उस ताकत से वो जवाब देगा तो आज शिवपाल या, रामगोपाल यादव से शिवपाल यादव के बारे में पूछा गया तो भड़क गए तो परिवार का झगड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरा मानना है ग्यारह मार्च के बाद इसका जो है भाग दो शुरू होगा जी तो उसकी उसकी तई, उसकी पेशबंदी हो रही है अभी सब तरफ से जी आपको लगता है कि ये जो चीजें चल रही हैं इस इस पूरे सियासी एक तरीके से जो परिवार के बीच में लड़ाई है ये स्वतः कहीं ना कहीं अन्य दलों को या अन्य जो पार्टियां हैं उनको एक फायदे वाली स्थिति क्योंकि जब आप आपस में लड़ते हैं तो किसी और के खाते में कुछ ना कुछ फायदा सीधे तौर पर ट्रांसफर होता नजर आता है बिल्कुल देखिए जब घर में झगड़ा होगा घर में मतभेद होगा बिखराव होगा तो उसका फायदा बाहर वालों को हमेशा मिलता है बाहर वाले उठाते भी हैं और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है अब सवाल केवल इतना है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को कितना हो रहा है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है दूसरी बात ये है कि एक वोटरों मतदाताओं का एक सेक्शन होता है जो हमेशा जिसकी सोच ये रहती है कि वोट नहीं बेकार करना जो जीत रहा है उसके साथ चले जाओ जिताऊ के साथ हाँ, जिताऊ के साथ चले जाओ तो जब ये लगेगा समाजवादी पार्टी हार रही है तो वो सेक्शन जो है मतदाताओं का वो वर्ग वो जो जीतती हुई पार्टी दिखेगी उसके साथ चला जाएगा जी ये वो इलाका है जहाँ पे तरीके से सबसे बेहतर स्कोर के लिहाज से 2012 में समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया था तो बावजूद इसके इस इलाके में कुछ पॉकेट्स तो हैं हैं पे आप विकास की बातें कर सकते हैं, दिखा सकते दिखा और अपना एक उदाहरण नजर दे सकते हैं लेकिन समग्र रूप से क्योंकि हमारे संवाददाता भी बता रहे कि किसानों की समस्या है गन्ना किसानों के बकाए की बात है धान की खरीद की बात है ग्रामीण इलाकों में वो विकास की रफ्तार वो देखने को मिलती है नहीं बिजली की समस्या है तमाम चीज आपको लगता है कि मुद्दों के आधार पर भी जब मतदाता घरों से निकलता है तो बहुत कुछ चीजें तय करके निकलता है क्योंकि परिपक्व होते लोकतंत्र में अब मतदाता काफी समझदार है देखिए आर्यन एक बात है कि विकास जब असमान होता है तो उसका नुकसान ज्यादा होता है कि हमारे इलाके में हमारे मोहल्ले में या हमारे गांव में सड़क बन गई और बगल के दो गांव में नहीं बनी तो उसकी नाराजगी ज्यादा होगी यहां भी न बनी होती तो नाराजगी उतनी शायद ना होती हाँ। तो ये ये जो जसवंत नगर और इटावा को विशेष तरजीह देने वाली बात है उसका भी नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और दूसरा सामाजिक स्तर पर भी होता है कि अगर आप कुछ ए, लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं देखिए आप जब बांटते हैं जब फैरत बांटना शुरू करते हैं तो उसमें उसकी एक समस्या यह है कि जिसको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होता उसको लगता है और दे सकते थे इनके पास तो था और जिसको नहीं मिला वो वो ये बात गांठ बांध लेता है कि वोट का समय आएगा तो बताएंगे अब धान की खरीद का मामला सबसे ताजा है गन्ना किसानों का मामला सबसे ताजा है धान की खरीद के लिए राज्य सरकार ने क्रय केंद्र नहीं खोले लोगों का धान नहीं सरकारी खरीद नहीं हुई उसकी तो उनको बिचौलियों पर समर्थन मूल्य से नीचे बेचना पड़ा तो इसका असर तो दिखाई देगा ही वो, वो, वोट में तब्दील होगा किसके पक्ष में जाएगा ये बड़ा ये देखने वाली बात होगी फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं लेकिन ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रखेंगे कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे जो कि आज के इस तीसरे चरण से जुड़ी हुई है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जी मैं गैस कंपनी से आया हूँ गैस चूल्हा और पाइप चेक करने हैं आइए क्या आपको इस व्यक्ति से इसका पहचान पत्र नहीं मांगना चाहिए था मैडम पाइप से गैस लीक हो रही है तुरंत बदलना होगा वरना जानलेवा हादसा हो सकता है आप पाइप बदल देंगे पाँच सौ रूपए लगेंगे क्या आपको तसल्ली नहीं करनी चाहिए थी कि आपकी गैस पाइप वाकई ही खराब है अपने चूल्हे गैस पाइप आदि की जांच तथा सर्विस अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही करवाएं। करवाए अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो कोई खास बात है क्या अरे काका मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ और ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से और बात करते हैं तीसरे चरण के मतदान के लिहाज से कि तीसरे चरण के मतदान में आज इटावा में भी वोटिंग हुई है मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने अपने गृह गांव सैफई में वोट डाला है लेकिन आज भी मुलायम परिवार अलग अलग खेमों में साफ तौर पर बटा नजर आया मुलायम सिंह यादव ने जहां अपनी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और बहू अपर्णा यादव के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे तो वहीं अखिलेश यादव अपने सांसद चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के साथ नजर आए गौर करने वाली बात यह रही कि शिवपाल यादव के काफिले पर आज हमला हुआ और उन्होंने इसका प्रशासन पर फोड़ दिया कभी ये उंगलियां यूपी की सियासत तय किया करती थी आज नौबत ये आ गई है कि नहीं ही दूसरों के इशारों की जरूरत पड़ गई है कभी इनके एक इशारे पर पूरा अमला जुट जाया करता था आज कुछ लोगों को छोड़ दें तो काफी लोग इनका साथ छोड़ चुके हैं नेताजी की सियासत और उनका कद जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उनका कुनबा भी है जो राजनीति के अखाड़े में अपनी अपने हिस्सेदारी के लिए खड़ा है कभी नेताजी के साथ तस्वीरों में एक साथ दिखने वाले अखिलेश आज गायब थे और उनकी जगह साथ खड़ी दिखी तो उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और लखनऊ कैंट्स उम्मीदवार बहु अपर्णा यादव जो सफेद में सफाई देती दिखी हम लोग यहाँ वोट करने आए हैं आप लोगों को अभी भी कुछ कलह लग रही है दो ईश्वर मालिक है फिर अपने पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। बार बार सवाल पूछे जाने के बाद भी उन्होंने चाचा शिवपाल यादव का नाम लेने से परहेज किया नाम नहीं ले रहे जी जी का एक बार भी आ, चाचा जी मैं ये कहता चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं काफिले पर हमला हुआ मेरी जानकारी में नहीं है मेरी जानकारी में नहीं है दे रहे हैं आप की दुआएं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपने बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफ पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के सफल पर चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव के काफिले पर हमला कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा था सीधा सीधा प्रशासन गया और उनसे ये भी नहीं कहा कि यहाँ से हट जाओ अगर ये कहते हट जाओ तो हट जाते और सीधा सीधा लाठी चार्ज कर दिया इसका मतलब था कहीं कहीं से शासन किसी के सारे पे काम कर रहा था मुलायम सिंह यादव की पहली बहू डिंपल यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया जो सवालों का जवाब देने में असहज दिखाई दी वोट डालने आए परिवार के बाकी सदस्यों का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है ब्यूरो इनपुट के साथ पंकज तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज़। आज उनहत्तर सीटों पर हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मतदान करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने और लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया देखिए खास रिपोर्ट तमाम बाधाओं के बावजूद भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का जज्बा दिखाता है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं। इनका एक वोट हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है ये आपने हाथ में लोटा ले रखा है हमारे पूज्य माता जी का अचानक देहांत हो गया था लेकिन मैंने धर्म के साथ अपने दायित्व को निभाने के लिए ये आवश्यक समझा कि अच्छे प्रशासन अच्छे शासन के लिए वोट देना अति आवश्यक है इसलिए मैं खासतौर से आज गंगा जी के बाद मैं यहाँ वोट देने कानपुर यहाँ अपने मतदान स्थल पे आया हूँ कुछ ऐसा ही नजारा उन नाव में भी देखने को मिला जहाँ शादी की पवित्र बंधन में बंधे जोड़ों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया इनके लिए वोट करना महज एक औपचारिकता भर नहीं बल्कि ये अपने मताधिकार के अधिकार को बखूबी जानते हैं। सब लोग वोट करें और एक अच्छी पार्टी को जो है जिताए जो सके और कोई भी भी एक वोट खराब ना जनता से गुजारिश है कि सभी मत व्यक्त करना चाहिए। जो भी हमारा सहमत हो, उत्तर प्रदेश की उनहत्तर विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में ऐसे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जो किसी ना किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इन्हें दूर करने के लिए वोट की चोट का सहारा लेना ही उचित समझा ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट डीडी न्यूज कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने वोट की कीमत को समझते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस कीमत को नहीं समझते शायद इसीलिए करों से मतदान करने के लिए नहीं निकलते फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक रुकते हैं। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं आय से इंडिया की रेल सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं एच पी ए टू जेड आपके काम आते हैं लाइफ है प्यारी जी लो हसी खुशी हो, हो, हो प्लानिंग करो अब लाइफ की। एल आई सी के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी सेविंग्स करो इंश्योरेंस पाओ घर अपने खुशियाँ ले आओ और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चुनावी महासंग्राम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो गया और लगभग आधा उत्तर प्रदेश अपना मतदान कर चुका है और अब बचे हुए चरणों के लिहाज से भी तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी लगातार बने हुए प्रदीप जी आपको लगता है कि अब तीसरे फेज़ के बाद में ये लगभग तय हो चुका है कि आधा उत्तर प्रदेश तय कर चुका है कि उसे अब किसकी सरकार चाहिए आपको लगता है कि पहले दूसरे तीसरे चरण के बाद क्या कुछ चीज़ें अब हैं जो थोड़ी सी साफ़ होती सी नजर आ रही है अब बिल्कुल देखिए लगभग 202 सीटों पर आज के चरण को मिला के मतदान हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा जो है सीटों पर मतदान हो चुका है तो सरकार की एक तस्वीर तो निश्चित रूप से उभरने लगी है और कौन सरकार बनाएगा इसको लेकर यह भी चर्चा है कि हंग मिली हो सकती है लेकिन जो मतदान का प्रतिशत दिख रहा है उससे मुझे तो लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत के लिए लोग तैयार हैं जिसको सत्ता में बिठाएंगे उसको पूरा बहुमत देंगे पिछली दो बार भी उत्तर जनता ने साफ तौर पे अपना दिया है। और अगर आपको याद हो तो 2007 में और 2012 में भी जो जीतने वाली पार्टी थी उसके बारे में यह कहा जा रहा था कि 170 सौ अस्सी सीट मिलेगी बसपा के लिए 2007 में कहा गया उनको 206 सीटें मिली सपा के लिए यही बात कही गई उनको दो सीटें मिली तो इसलिए बहुमत की सरकार आएगी इसमें इस मतदान से कोई शक नहीं रह जाता hmm. अब कौन आगे देखिए सत्तारूढ़ दल होने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो जो भी सरकार में होता है एंटी उसको झेलना पड़ता है hmm. और परिवार के झगड़े ने इसको और बढ़ा दिया है अखिलेश यादव ने जो अपनी छवि का मेकओवर करके गेन किया था hmm. वो परिवार और संगठन गठबंधन का जो रिफ्ट है उसने और बढ़ा दिया देखिए बहुत बड़ी चीज जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उठा रहे थे लोग सुप्रीम कोर्ट को अगर रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहना पड़े तो किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ा इंडिशन की बात नहीं हो सकती बिल्कुल तो ये जाहिर है कि ये लोगों में भी ये बात गई होगी ऐसा तो नहीं है आपने जिसको मंत्री रखा साढ़े चार पौने पांच साल आपका विधायक है और जहां से मुख्यमंत्री ने जिसके चुनाव क्षेत्र से चुनाव अभियान की शुरुआत की उसके बारे में सब कुछ जानते हुए तो ये ये कह बताता है कि पार्टी का चरित्र किस तरह का है जी तो उसका नुकसान मुझे लगता है कि इस बार और आप इतिहास उठाकर देखिए जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सत्ता से बाहर गई है चाहे मुलायम सिंह मुझे लगता है कि इस में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का है अलग अलग जगहों पर यह स्थिति थोड़ी बदल भी सकती है लेकिन मोटे तौर पर पूरे प्रदेश की तस्वीर अगर देखें तो यह नजर आए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भी जो तमाम रैलियां करते हैं हर बार विकास की बात की जाती है और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात की जाती है कोशिश ये हो रही है कि साहब विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ाया लेकिन फिर भी किनी ना किनी कारणों से चीजें भटकती सी नजर आती हैं और एंड टाइम पे मुद्दे कुछ भटकाओ की ओर भटकते से नजर आते नहीं देखिए 2014 के चुनाव को देखिए लोकसभा के वो बाकी चीजें छूट गई थी विकास का मुद्दा सबसे ऊपर आ गया और लोगों ने अपनी जातिगत जो अपने आग्रह थे उनको छोड़कर वोट किया हम अभी चार पांच दिन घूमकर आ रहे हैं मुझे लग रहा है ये चुनाव भी उसी तरह का है ऐसा नहीं कि जाति का आधार खत्म हो गया है या जाति के बारे में लोगों ने सोचना बंद कर दिया लेकिन जनता के, के मन है।, है विकास निश्चित रूप से हाँ। लोगों को दिखाई दे रहा है देखिये हम जहां जितनी जगह गए बहुत सी योजनाओं की बात होती है लोगों में एक योजना है केंद्र सरकार की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई और वो उज्ज्वला योजना है गैस कनेक्शन उसका बहुत असर है अब वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और उसकी चर्चा बहुत है ये इसकी ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं तो उसका क्या असर होगा उसका चुनावी फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा या इस, इस योजना की तारीफ करने वाले फिर जाति के आधार पर वोट देंगे या इस बात को समझेंगे और

सेटल कर दिया कि आगे किस दिशा में जाएगा देखिए पिछली बार कहते भी, भी कि पछुआ हवा वहां से हाँ, चलती है हाँ, हाँ, <laughs> उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी जिसने फर्स्ट फेज में लीड किया उसने सरकार बनाई हाँ। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि फर्स्ट फेज में लीड करने वाले की सरकार बन सकती है जी तो आपको लगता है कि समग्रता में टोटैलिटी में देखने को हमको जरूरत तो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए से बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और फिलहाल आज के चुनावी महासंग्राम में इतना ही लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर हम लगातार आपको दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से उसके बारे में अवगत कराते रहेंगे और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जो बड़ी चुनावी चर्चाएं हैं जो बातें हैं उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे फिलहाल इतना ही पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार